आप देखें कि किस तरह ठाणे में पार्षदों की गोलबंदी हुई, तो अब कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे के पास अपनी सेना को बचाए रखने की जद्दोजहद है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है शिंदे में तो अपने पिता के नाम पर वोट मांग करके दिखाएं, यानी एक तरह से साबित करना चाहते हैं कि ये जो हमारी विरासत है सिर्फ हमारे पास ही रहेगी, इसमें डेमोक्रेसी के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा भी स्पेस नहीं रहेगा। अब देखिये जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किए हैं उनमें एक प्रस्ताव है कि जो लोग इसमें शामिल नहीं, 27 तारीख तक होते हैं 5:30 बजे तक, तो जो है उनको मान लिया जाएगा कि वह जो है पार्टी छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर कोई इस तरह का दल बदल नियम कानून लागू नहीं होता है। अब रही बात इसकी कानूनी पेचीदगी की, तो स्वाभाविक रूप से दोनों तरफ से अब लड़ाई लड़ी जाएगी। स्पीकर ने भी जो है 16 विधायकों को नोटिस थमा दिया है, उनको जवाब देना है, वो जवाब देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि वह शिवसेना जिस पर उद्धव ठाकरे की बहुत पकड़ हुआ करती थी, या उनके उनकी जो एक विरासत जो है पूरी तरह से उन्हीं के मातोश्री तक सीमित रहती थी, वह कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर पड़ी है। देखिए एक बार मनोहर जोशी साहब से पूछा गया था कि अगर शिवसेना में बगावत हुआ, जैसा आप जानते हैं कि छगन भुजबल, नारायण राणे बगावत किए थे, तो उन्होंने कहा था कि शिवसेना शेर की माद है, आप जा सकते हैं अंदर, निकल नहीं सकते। लेकिन आज देखिए वो बिल्ली का दरबा बन गया है, थोक के भाव लोग निकल रहे हैं। यह पूरी तरह से अब जो है उद्धव ठाकरे की कवायद जो है सेना पर जो है अपनी पकड़ बनाए रखने की है। उन्हें डर है कि निचले स्तर पर जो इकाई स्तर पर, आपने देखा कि जिला अध्यक्षों की मीटिंग की है, तहसील के जो अध्यक्ष उनकी मीटिंग की है, तो पूरी तरह से जो है अब अपनी सेना पर जो है पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। बाजी तो वैसे जो सत्ता की है लगभग 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 हारते हैं जी। सर ये 16 विधायकों को जो नोटिस भेजा गया है, क्या लग रहा है, क्या लीगली ये पॉसिबल होगा, और क्या वो विधायकों के खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई भी होगी या उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी शिवसेना की तरफ से, क्या ये पॉसिबल आपको लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए अगर आप प्रस्ताव भेजते हैं या उन्हें समन भेजते हैं तो उसका कोई मूल्य महत्व नहीं। हाँ स्पीकर ने अगर भेजा तो निसंदेह जो है शिंदे गुट जो है उसका जवाब देगा। और यह भी कहा जा रहा है कि शिंदे गुट जो है स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। यानी पूरी तरह से अब लड़ाई जो है फ्लोर टेस्ट से लेकर के अदालत की चौकट तक पहुंचता साफ दिख रहा है। तो यह अब जो है लड़ाई जो है पूरी तरह से आप देखिए संख्या बल तो एक तरफ लगभग तय हो चुका है कि वह जो है शिंदे के पास है, बाकी जो चीजें बची हुई है जो कानूनी पेचीदगी की बात कर रहे हैं बार बार उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी, तो कुल मिलाकर के अब आगे यह देखना होगा कि कौन जो है अदालत पहले जाता है। और जो है अगर शिंदे गुट जो है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो यह भी एक अपने आप में जो है बहुत बड़ा जो है एक लड़ाई ठनेगी। और आप देखेंगे कि कम से कम जो है एक आध सप्ताह तो यह लगभग चलना है जी। सर अरविंद जी, अब मेरा सवाल होगा, एकनाथ शिंदे जब बाकी विधायकों के साथ, जो उनके साथ है बाकी विधायकों के साथ, अगर वापस बॉम्बे लौटते हैं तो ऐसा नहीं हो कि कहीं उनके गुट से वापस से कुछ विधायक वापस से शिवसेना में मिल जाए, क्योंकि जिस तरह का दबदबा शरद पवार साहब का है पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, तो क्या ये संभव है उन सारे विधायकों को रोक कर रखना एकनाथ शिंदे जी से, इतना पॉसिबल है क्या? नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी पूरी संभावना है कि कुछ विधायक टूट सकते हैं, लेकिन उन स्थिति में टूटेंगे जब उन्हें लगेगा कि नहीं जो है शिंदे साहब का जो है के पास जो जो बैकडोर से जो एनर्जी जो तो मिल रही है आप समझ सकते हैं, तो वह जो है एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी। आप देखिए किसी से छिपा नहीं है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जैसा कि लोग कह रहे हैं पूरी शक्ति काम कर रही है। और आज मजेदार बात देखिए कि आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप मनोहर जोशी भी नहीं थे, अनंत गीते भी नहीं थे, सुधीर जोशी भी नहीं थे, वासे भी नहीं थे, यानी बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं थे। यह साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं जो है वह पूरी जो है लड़ाई जो है जमीन पर भी उसका दाव जो है बिछाया जा चुका है। और एक तरफ जो है शिंदे पूरी मुस्तकबिल होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जिस तरह से शिव सैनिक शांत है, आप देखिए कल ही जो है शरद पवार साहब से और उद्धव ठाकरे साहब से बात जब हुई तो शरद पवार ने सवाल उठाया कि भाई आपके सैनिक क्या कर रहे हैं। यानी इसका सीधा मतलब है कि सैनिकों को भी लग रहा है कि नहीं ये जो लड़ाई जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व इसके इसके केंद्र में हिंदुत्व आ रहा है। वो सैनिक भी चाहते हैं कि जिसके साथ हम लोग जो है छाछट से लगातार जिस चीज का विरोध करें उसी के साथ ये सरकार बनी है। तो यह जो है शिव सैनिकों का चुप होना भी बहुत कुछ जो है कह देता है कि लड़ाई की धार किधर जा रही है जी। ओके ओके, निशांत वर्मा साहब भी है, राजनीतिक विश्लेषक है। निशांत सर, आपको क्या लग रहा है, क्या एकनाथ शिंदे साहब, उनके साथ जो अभी विधायक है, क्या वो बॉम्बे आने के पास भी, बॉम्बे आने के बाद भी क्या उनके साथ बने रहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मैं 2-3 बातें बिल्कुल साफ कर दूं।
पहली चीज तो ये है कि शिवसेना को दूसरी राजनीतिक दलों से कंपेयर करके जो पास्ट में पहले के वर्षों में जो कुछ देखा गया है कि किस तरीके से ऑपरेशन कमल होता है और बाकी पार्टियां कुछ ज्यादा कर नहीं पाती, वो शिवसेना के साथ मामला नहीं है। ये एक रीजनल पार्टी है, ये एक महाराष्ट्र की ऐसी पार्टी है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में छोटे छोटे कदम रख के आज जहां तक पहुंची है पहुंच पाई है। अब इसमें एकनाथ शिंदे के बारे में आपको मैं बता दूं, मेरे खुद के अपने सोर्सेस जो उस होटल के अंदर हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वहां जो भी लोग इनके साथ हैं बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा नहीं है कि वो कोई वहां बैठ करके तीर मार लिया है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसके दो तीन कारण हैं और ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जो आपको बता रहा हूं। पहला कारण, एकनाथ शिंदे जी जितने भी लोगों को वहां पे बुलाए या लेके गए हैं उन सबको अलग अलग कहानियां सुना के लेकर के गए हैं, इसलिए वहां पे एक एक आपस में संप नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जितने भी इनके साथ के लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि साथ हैं या हाथ में हाथ है, उनमें कई सारे लोग शिवसेना की तरफ से भेजे गए हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए। तीसरी बात, इसीलिए आज 40 एमएलए साथ हैं, 50 साथ हैं, सारा दिन यही चलाते हैं मीडिया में हम लोग। लेकिन सर अगर मेरे पास 37 से ऊपर होते तो मैं राज्यपाल के ऑफिस पहुंच गया होता, मुझे डर किस बात का होता, मैं 2500-3000 किलोमीटर दूर बैठ के वहां से तो सरकार चला नहीं सकता। जहां जिस लेकिन ये खबर तो यही थी कि राजपाल साहब हॉस्पिटल में थे। लेकिन अब मेरा अगला सवाल निशांत जी आपसे ये होगा, क्या आपको लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट उद्धव ठाकरे साहब पास कर पाएंगे? देखिए साहब, फ्लोर टेस्ट 100% उद्धव ठाकरे पास कर पाएंगे, उसका मैं रीजन बता दूं और मैं उसी बात से कंटिन्यू करूंगा कि राजपाल साहब के पास चले गए होते, कोश्यारी साहब थे तो उसका ये मतलब है कि फंक्शनिंग बंद हो जाती है, आज पहुंच जाते। पिछले 24 घंटे में 4 बार अपना हवाई जहाज का टिकट बदल बदल के भी नहीं आ पा रहे हैं शिंदे साहब, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास नंबर नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि इसमें सिग्नेचर्स जो उनके आए हैं 34 लोगों के, उसमें भी आशंका है, उसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। बहुत कुछ ऐसा है जो एक तरफा, और माफ कीजिएगा मैं आपको यहाँ कोट नहीं करना चाहता या आपके चैनल के बारे में नहीं, लेकिन अधिकांश मीडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सोच रही है कि अब वो क्या करेंगे। वो ये भूल जा रहे हैं कि वो शायद कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए वो इस तरीके की एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि उद्धव ठाकरे की सरकार कहीं नहीं जाने वाली, ये पॉसिबल ही इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आज की तारीख में भी एकनाथ शिंदे का जो सो कॉल्ड गुट है उसने अपने आप को उनसे अलग नहीं किया है, वो आज भी शिवसेना में है। जहां वो अलग करते हैं 10th स्केड्यूल पढ़ लीजिए, हाँ कहीं से समाचार आ रहे थे कि उन्होंने अपने नया नाम दे दिया है उसको, आधिकारिक तौर पे वो कह दे तो 10वें शेड्यूल के 4th सेक्शन में वो सारे के सारे गैर लायक यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसलिए वो खुद परेशान है। 3-4 लोग ईडी की वजह से परेशान होकर के अगर 30-40 लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं कोई बात नहीं, उसके थोड़े दिनों के बाद जब आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से ये लोग वहां परेशान हैं, मैं आपको बता रहा हूं और मैं बकायदा मैं जानकारी लेके बता रहा हूं सर कि वहां अंदर जितने भी विधायक बैठे हैं उनके साथ वो घर नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें अपने घर की चिंता है। एक सवाल मेरा एक और होगा, अब मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है, इतने विधायक अगर बॉम्बे से या महाराष्ट्र से अगर बाहर जा रहे हैं किसी दूसरे राज्यों में, उनके कई सारे अधिकारी भी रहे होंगे जिनको पता होगी, अब सीएम हाउस तक या पार्टी तक कैसे नहीं बात पहुंची और कैसे के सारे विधायक राज्य से चले गए? देखिए साहब, जब जिसको गायब होना होता है वो एक दिन में या तो गायब होता है या कहीं करके होता है। एकनाथ शिंदे आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी के बाद सेकंड इन इंचार्ज कहे जा सकते थे कि जो शिवसेना में थे, अरविंद देवगन मिनिस्टर थे, वो सब कुछ सबके कांटेक्ट में थे। जिस तरीके से उन्होंने खेल करके धीरे से अपने आप को निकाला, और महाराष्ट्र और मुंबई में आप जानते हैं कि ज्यादा अफसर भी एक दूसरे सवाल नहीं पूछते जब मंत्रालय में मंत्री लोग बात करते हैं या निकलते हैं, तो जिस तरीके से ये लोग वहां से गायब हुए वो एक बड़ा सुनियोजित, जा सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी समर्थित सुनियोजित ये एक तरीके से निकाले गए हैं और उसके बाद आज तक वो उनकी छत्र छाया में हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे। लेकिन चलिए, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर एक और है कि एकनाथ शिंदे गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहीं सीधे चलते हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? दीपक जी, बाबा साहेबन से नाव
आम्ही शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेलो आहोत, त्याच्यामुळे आमच्याकडे 2/3 बहुमत असल्यामुळे आम्ही शिवसेनेचे सदस्य आहोत, शिवसेनेच्या विधिमंडळाचे सदस्य आहोत. दीपकजी, मी बाळासाहेबांचं नाव वापरू शकत नाही. असा प्रश्न असा आहे की अकरा आमदारांना आता नोटीस पाठवली जाणार आहे. अपात्र आमदारांना नोटीस पाठवली जाईल, अपात्र नोटीस संध्याकाळपर्यंत पोहोचेल, या नोटीस संदर्भात काय भूमिका घेतली जाणार आहे. कि मेरा मराठी में जो कहना था वो मराठी का कहना खत्म हुआ है. जब मैं हिंदी में बात करूंगा तो हिंदी के जो क्वेश्चन है उसका आंसर करूंगा, और जब अंग्रेजी में बात करूंगा तो अंग्रेजी के जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब दूंगा. हमारे पास पूरा समय है, लेकिन शॉर्ट में प्रश्न पूछिए, मैं हर एक का जवाब. ठीक है सर, ठीक है. मराठी का सवाल, मराठी का प्रश्न पूछिए, उसका सवाल दीजिए. मराठी वालों ने सवाल किया, मिळाल्यात का? हे बघा, नोटिसा मुळात कशाबद्दल काढल्या तर आताच मी तुम्हाला सांगितलं की फ्लोअर ऑफ द हाऊस वर एखादा जर व्हीप काढलेला असेल तर तो व्हीप मोडला तरच त्याच्यामध्ये डिस्क्वालिफिकेशन आहे. तुम्ही एखाद्या पार्टीच्या मीटिंगला गेला नाही म्हणून तुम्ही डिस्क्वालिफाय होऊ शकत नाही. तुम्ही अँटी डिफेक्शन लॉ वाचून बघा. अशा तऱ्हेच्या ज्या आपण ज्याला हे म्हणतो म्हणजे युक्त्या असतो, त्या युक्त्या ज्यांच्याकडे बहुमत नाही अशी लोक वापरू शकतात. आज राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं बहुमत संपलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्या युक्त्या ते वापरू शकतील. आता त्याच्यामध्ये माझी अशी विनंती आहे की हे सगळं झाल्यानंतर जे काय कोणाशी बोलायचं असेल याचे अधिकार शिंदे साहेबांना दिलेले आहेत. शिंदे साहेब आपल्या पक्षाच्या सुद्धा संपर्कामध्ये आहेतच, त्याच्यामुळे त्यांना जो काय निर्णय घ्यायचा तो घेऊ शकतील. पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आमचा पाठिंबा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला नाही. ही सवाल उपस्थित करण्यात आलेले आहेत, याबद्दल तुमची प्रतिक्रिया? चलिए, तो थे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक जो अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हमारी सहयोगी स्वराली जोशी राव भी मातोश्री के बाहर मौजूद है. स्वराली, क्या वहाँ से क्या अपडेट मिल रहे हैं और कार्यकारिणी की बैठक के बाद क्या कुछ खबरें बाहर निकल कर आ रही है, क्या सेंस मिल रहे हैं वहाँ से? मैं आपको बता दूं, फिलहाल कुछ ही देर पहले सीएम उद्धव ठाकरे की गाड़ी जो है मातोश्री में आ चुकी है, पहुंच चुकी है, और ऐसा ये माहिती मिल रही है कि जो मीटिंग हुई इसमें यह डिसाइड हुआ है कि कैसे आगे की स्ट्रैटेजी होगी और क्या होगा. हम देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में एक पोस्टर वॉर चल रहा है. कई हिस्सों से एकनाथ शिंदे के लिए सपोर्ट दिख रहा है तो कई हिस्सों से उद्धव ठाकरे के लिए सपोर्ट दिख रहा है. मैं आपको बता दूं, कल शाम को जब आदित्य ठाकरे की गाड़ी आ गई थी और जब मीटिंग चल रही थी शरद पवार, जयंत पाटिल और सारे बड़े लीडर्स की, अजित पवार भी उसमें शामिल थे, उस वक्त कई सारे शिव सैनिक जो है मातोश्री के बाहर जमा हुए थे और नारेबाजी हुई, ढोल ताशे बज रहे थे, और यही हालत, यही बातें पूरे महाराष्ट्र में कई जगह पर देखी जा रही है. ये भी देखा जा रहा है महाराष्ट्र में कई जगह से शॉप्स को जो उनके ऑफिसेस हैं वैंडलाइज किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, और ये भी खबर सामने आ रही है कि आज कल में कई प्रोटेस्ट होने वाले अलग अलग हिस्सों में, फिर कोई प्रोटेस्ट जो कि है वो एकनाथ शिंदे के लिए और कोई है सीएम उद्धव ठाकरे के लिए.
एकनाथ शिंदे को फिलहाल दिघे और बाला साहेब ठाकरे से उनके लीडरशिप को जो है जोड़ा जा रहा है। अभी अभी फिलहाल जो मीटिंग हुई जिसमें से सीएम उद्धव ठाकरे बाहर आए, उसमें ये तय हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि शिवसेना का नाम कोई और यूज नहीं कर सकता, भले ही उनके पास 2/3 मेजोरिटी हो जो कि उनको एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर लेकर के आती है, फिर भी वो शिवसेना का नाम यूज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि 16 विधायकों को जो है डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस सर्व की गई है। अब तक जो सिर्फ बातें चल रही थी कि नोटिस सर्व होगी, नोटिस भेजी जाएगी, वो अब भेजी गई है। और नोटिस भेज दी गई है। शुक्रिया स्वराली, आपने पूरी ग्राउंड की रियलिटी बताई। और ये भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में अब बागी विधायकों पर अयोग्य होने का खतरा बढ़ गया है। डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने आज शिवसेना के बागी 16 विधायकों को नोटिस दे दिया है, जिसका उन सभी विधायकों को 48 घंटे के अंदर यानी सोमवार तक जवाब देना है। विधायकों को दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता से जुड़े मामले में 27 जून शाम 5:30 बजे तक अपने बचाव के लिए लिखित स्पष्टीकरण भेजना होगा। इसके साथ ही विधायकों को अपने केस के समर्थन में दस्तावेजों को भी लाना होगा। नोटिस में यह भी लिखा है कि यदि इस दौरान कोई विधायक उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि आपको किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सतारा जिले के कोरो गांव से विधायक महेश शिंदे का कहना है कि एनसीपी शिवसेना को खत्म करने की योजना बना रही है। महेश शिंदे का आरोप है कि सभी विधायकों ने सीएम उद्धव ठाकरे से एनसीपी द्वारा किए जा रहे अन्याय की शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिवसेनेच्या आमदारांना 50 कोटी 55 कोटीचा निधी गेला होता, तर राष्ट्रवादीच्या सगळ्या आमदारांना 700 ते 800 कोटीचा निधी त्यांच्या मतदारसंघामध्ये दिला जात होता। त्याच्या पलीकडे जाऊन शिवसेनेच्या आमदारांच्या मतदारसंघामध्ये आम्ही जे राष्ट्रवादीचे उमेदवार पाडलेले आहेत त्यांना प्रचंड निधी, आमच्या डबल ट्रिपल निधी विकासासाठी उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून दिला गेलेला होता। मधल्या काळामध्ये निधी पण दिला जात होता, कुठल्याही कार्यक्रमांना आम्हाला बोलवलं जात नव्हतं। आमच्या 3 बैठका मुख्यमंत्री महोदयांशी झाल्या। मुख्यमंत्री महोदयांनी आम्हाला सगळ्यांना आश्वासन दिलं होतं कसल्याही परिस्थितीमध्ये याच्यामध्ये सुधारणा येईल। बऱ्याच गोष्टींना त्यांनी स्टे दिला, परंतु तो स्टे सुद्धा उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी मानला नाही आणि मुख्यमंत्र्याच्या स्टेला केराची टोपली दाखवून त्या ठिकाणी त्यांनी आमच्या मतदारसंघामध्ये विरोधकांची त्या ठिकाणी विकास कामं केली आणि उद्घाटनं घेतली। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आम्हाला पाडण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले जात होते। एका बाजूला महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र राहणं आणि दुसऱ्या बाजूला आमच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसण्याचं काम हा पक्ष करत होता। त्या रागापोटीच आज आम्ही हे सर्वजण या ठिकाणी एकत्र आलेलो आहोत। ओके, चलिए अब महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि 2002 के गुजरात दंगे के मामले में जाकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने ये याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद इस मामले में अमित शाह ने कहा कि सत्य सोने की तरह चमकता हुआ सबके सामने आ रहा है। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी को और बाकी आरोपियों को, आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप उस वक्त एक MLA थे। देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन कर कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से
मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। चलिए एक और अपडेट आपको दे दें कि परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ होंगे। उनके नियुक्ति पर कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी। अय्यर मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत की जगह लेंगे। अमिताभ कांत 30 जून को रिटायर्ड होने वाले हैं। परमेश्वरन अय्यर स्वच्छ भारत मिशन के मुखिया भी रह चुके हैं। तो स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां चलता रहेगा। नमस्कार।